क्या करो ठीक दशमंत मध्यप्रदेश में किए गढ़ सरकार कार्यक्रम को आप स्वागत दशमंत आप जानते जो भाई दीर्घ दुई तीन दिन धरिकी आम मध्यप्रदेश विभिन्न गली कंदी बुलुचु एवं शुभ दीपावली दिन उज्जैन ठारे महाकाल दर्शन भी कलु एवं तापर आम उज्जैन रु सीधासख भावे आम जो इंदौर जी रास्ता को बाहर रास्ता धरलु रास्ता देख लु जे का राजनीतिक चर्चा भी होगा आम आशा कलु तेणुक छक रहीगलु सुनील बाबू ये अच्छा बोधे विजी अच्छा कौन न्यूज देखुं कौन गोटे अपडेट थी बोधे भाई साहब ये जगह का नाम क्या है भाई साहब आपका नाम किठोरा फंटा उनसे बात करो आप बैठिए मैं जा रहा हूँ आपके पहले भैया के साथ बात करने दो भैया आपका नाम क्या है ईश्वर चौहान अच्छा ये गांव फिर से बताए तो क्या गांव कितना मतलब लोग रहते हैं ठिठोदा में ये करीब 700 800 1100 अभी इलेक्शन का माहौल क्या है चुनाव का माहौल आपके गांव में सर अब ये बात तो उनसे करो आप मैं नहीं बता पाऊंगा मेरे को पता नहीं है आप सिर्फ व्यापार करो बात नहीं करो नहीं नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा इनसे बात करो सर ये गांव के ज़्यादा जानकारी है इनको मैं क्या सुबह जल्दी आ जाता हूँ अच्छा हाँ व्यापार अच्छा हो रहा है आपका हाँ ठीक है सर हो रहा है इतना भी हो रहा है आपका मतलब दिन का रोजाना हो जाता है ना हो जाए गैस यूज करने गैस का दाम कितना है सर ये तो 1100-1200 के भरवा रहा है अभी तो कुछ लोग बता रहे हैं कि जो सब्सिडी चल रहा है 500 रुपये में गैस मिल रहा है यहाँ नहीं अभी भरवाया था हमने जो अभी जो सरकार है वो कुछ मतलब लोगों के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आपको कैसा लग रहा है क्या लग रहा है हाँ ठीक है सर अभी तो चल रहा है जो माहौल ठीक है अच्छा हमें भी थोड़ा चाय पिलाए भैया हाँ, ओके हम लोगों के साथ बात करेंगे जो अच्छे से हमारे साथ बात कर सकते हैं भाई साहब आपको स्वागत है हाँ यहाँ बैठ जाते हैं क्या विषय बैठो हाँ नहीं यहाँ बैठ आप आ जाइए बैठ जाइए यहाँ हाँ भाई साहब आपका नाम क्या बताया तो धन सिंह क्या मतलब सिंह पवार धन सिंह पवार हाँ जो शरद पवार ये से लोग अलग है हम ठाकुर समाज से अच्छा आप ठाकुर समाज से ये जो हम जगह जो जहाँ बैठे हैं हाँ पीछे तो उज्जैन है आगे तो इंदौर है ये आखिरी बाउंड्री है इंदौर जिले की और ये बाउंड्री है इंदौर स्टेट इंदौर हो जाता है यहाँ से इंदौर भी होता है थोड़ा आगे 1 किलोमीटर आगे सीमा समाप्त है वहाँ से फिर इंदौर जिला चल्लू हो जाता तो हम सही जगह बैठे हैं हाँ सही जगह बैठे इंदौर जिला में इंदौर कोई भी बात कर सकते हैं नगरी में बात कर सकते हैं माँ अहिल्या की पवन नगरी में बैठे हैं आप बाबा महाकाल की नगरी वहाँ से आगे से अच्छा ये आगे ओमकारेश्वर भी है ओमकारेश्वर दूर है यहाँ से दूर है अच्छा जब बताए ना ये जो मध्य प्रदेश में अब जो चुनाव चल रहा है आपको क्या लग रहा है मतलब कैसे हम उड़ीसा से आए हैं आप थोड़ा बताइए कि मध्य प्रदेश का पॉलिटिक्स कैसा है उड़िया लोग जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर चली रही है अभी मोदी जी की क्यों उनको कामें तो कराए इनने मोदी जी ने हर गांव में रोड लक्ष्मी लाडली योजना आयुष्मान कार्ड इलाज तो मोदी जी की लहर है सिर्फ मोदी जी की लहर है इसलिए मतलब लोग वोट देंगे या और कुछ काम किया है काम भी किया ना हर गांव में रोड की जाल तरह बिछी दी बीजेपी ने काम बहुत किया बीजेपी ने लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जिसको मामा कहते हैं सब उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है सिर्फ मतलब मोदी का लहर चल रहा है शिवराज सिंह जी की भी लहर है शिवराज सिंह जी की भी लहर है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को बहुत पसंद करते हैं जनता लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतना बात नहीं हो रहा है चाय ले लीजिए थोड़ा अब वो बड़े नेताओं की क्या मालूम क्या बात है वो तो वही जाने पर न्यू ग्रामीण क्षेत्र में शिवराज सिंह को ज़्यादा चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी को अभी गैस का भाव क्या है भाई गैस का सिलेंडर है 1100 रुपया